सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बॉलीवुड में अक्सर हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ काम करते करते प्यार करने लगते हैं और एक साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। लेकिन आज हम आपको बॉलीवुड की ऐसी हसीनाओं के बारे में बताएंगे जो हीरो से नहीं बल्कि अपनी फिल्म के डायरेक्टर से प्यार कर बैठी और उन्हें अपना जीवन साथी बना लिया। नंबर एक पर हैं दीप्ति नवल और प्रकाश झा। बॉलीवुड अभिनेत्री दीप्ति नवल और डायरेक्टर प्रकाश झा की मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई, जिसके बाद दोनों को प्यार हो गया और इन्होंने साल 1985 में विवाह कर लिया। लेकिन दोनों 17 साल बाद एक दूसरे से अलग हो गए। दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम दिशा झा है। दीप्ति नवल फिल्मों से दूर है। नंबर दो पर है सोनाली बेंद्रे और गोल्डी बेहल। अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे ने भी डायरेक्टर गोल्डी बेहल से विवाह किया था। दोनों की मुलाकात फिल्म नटराज के सेट पर हुई थी। गोल्डी सोनाली को अपना दिल दे बैठे, लेकिन सोनाली ने इनके प्यार को ठुकरा दिया। लेकिन जब सोनाली को गोल्डी के प्यार पर यकीन हुआ तो दोनों ने साल 2002 में विवाह कर लिया और अब दोनों अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बेहद खुश हैं। इनका एक बेटा भी है। सोनाली भी अब फिल्मों से दूर हैं। नंबर तीन पर है रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रानी मुखर्जी डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा के साथ कई प्रोजेक्ट में काम कर चुकी हैं, लेकिन आदित्य के साथ अपनी पहली मुलाकात संपन्न रेस्टोरेंट में हुई थी, जिसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने साल 2014 में विवाह कर लिया। दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम आदिरा चोपड़ा है। रानी मुखर्जी आज भी फिल्मों में एक्टिव रहती हैं। नंबर चार पर है उदिता गोस्वामी और मोहित सूरी। मोहित के डायरेक्शन में बन रही फिल्म जहर में इमरान हाशमी के साथ उदिता गोस्वामी थी। फिल्म के दौरान ही मोहित और उदिता एक दूसरे को पसंद करने लगे और लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 2013 में शादी कर ली। आज उदिता और मोहित के दो बच्चे हैं। उदिता गोस्वामी भी आज फिल्मों से दूर रहती हैं और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बेहद खुश हैं। नंबर पाँच पर है कल्की कोचीन और अनुराग कश्यप। अभिनेत्री कल्की और डायरेक्टर अनुराग कश्यप फिल्म देव डी में एक साथ काम करते करते एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि दोनों ने जीवन साथी बनने का फैसला कर लिया। दोनों लगभग 2 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद साल 2011 में विवाह कर लिया, लेकिन ज़्यादा दिन तक इनकी शादी नहीं टिक पाई और इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम आलिया कश्यप है। दोस्तों, आप इनके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।